अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आज मैं आपको बताऊंगी अंडे प्याज बनाने का तरीका। ये मैंने तीन प्याज काट ली हैं, इतने इतने बारीक, दो टमाटर और चार सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, और ये धनिया है इसको मैं बाद में काटूंगी, और हल्दी, धनिया, नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लाई है और प्याज उसमें डाल दी है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को पानी में पकाऊंगी। फिर प्याज जब पानी में पकेगा तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, ये जो मैंने काटे हैं, और नरम करने के लिए रख दूंगी। जब प्याज और टमाटर नरम हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट तक मैं इनको पानी में पकने दूंगी, उसके बाद इसमें घी ऐड करूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा नरम हो रहा है, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और इसे तब तक पकने दूंगी जब तक ये जो मैंने पानी थोड़ा सा डाला है ये ख़त्म नहीं हो जाता। अंडे एक बाउल में डाल लिए हैं, अब मैं इनको फेंट दूंगी, और जैसे ही प्याज का ये पानी ख़त्म होता है इसमें घी ऐड करके सारे मसाले ऐड कर दूंगी। अब इसमें से पानी ख़त्म हो गया, मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। घी आपने अपने अपने मुताबिक ऐड करना है। मैं तो हम लोग तो एक्चुअली घी कम खाते हैं, तो मैं कम घी ऐड करूँगी। मैं घी के साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच रेड मिर्च और इतनी हल्दी और धनिया, ज़ीरा और नमक ऐड करूँगी। मैं फेंटे हुए अंडे डाल दूँगी थोड़ी देर भूनने के बाद। अंडे डालने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की बन गई है। अब मैं इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड कर दूँगी। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऊपर छिड़क दिया। इसके लिए थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर ना छिड़क देना, ठीक है। अभी बहुत मज़े की अंडा प्याज की रेसिपी तैयार हो गई है, और ये मैंने अभी सीखी है अपनी मदर इन लॉ से, प्यारी सी मदर इन लॉ से। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।